यूं तो बिग बॉस के घर के अंदर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहती है वो बहुत खास रहती है, और नॉमिनेटेड सदस्य किसी भी तरीके से एक दूसरे को टारगेट बनाने के लिए और परेशान करने के लिए हर चीज़ करते रहते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस हफ्ते जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनकी लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, और नॉमिनेटेड सदस्यों में है माहिरा जो कि सबसे अव्वल नंबर पर है, दूसरी है शेफाली जरीवाला। शेफाली जरीवाला को भी काफ़ी लोगों ने नॉमिनेट किया था। इसके बाद आती हैं शेफाली बग्गा, फिर आती है मधुरी मातुल्ली और विशाल आदित्य सिंह, और कैप्टन के नॉमिनेट करने पर रश्मि देसाई भी नॉमिनेटेड है। दोस्तों बिग बॉस के घर में अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि नॉमिनेट होने के बाद से ही लोगों में चहल पहल तेज हो जाती है। जैसे ही घर के सदस्य नॉमिनेट हुए हैं उसके बाद से ही प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बार नॉमिनेटेड सदस्यों के लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप किसी के भी फैंस हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं तो आप सकते में आ सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है डबल एविक्शन। घर के अंदर घर वाले हर वो चीज़ कर रहे हैं क्योंकि घर वाले कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि डबल एविक्शन कभी भी हो सकता है, क्यों, और साथ ही साथ दिखने के लिए तो चीज़ें करनी पड़ेंगी ही। अगर डबल एविक्शन होता है इस हफ्ते तो घर के अंदर दो सदस्य बाहर जाएंगे और इसके साथ ही घर में बचेंगे 9 सदस्य, और हफ्ते बचे हुए हैं इस घर में रहने के 7। अब 7 हफ्तों के अंदर लगभग घर को खाली करना है, और हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो 13 कंटेस्टेंट की एंट्री होती है घर में और 11 बचे हुए हैं, यानी कि 9 के बराबर ही एविक्शन हुआ है। तो दोस्तों देखना होगा कि डबल एविक्शन में घर से बाहर कौन जाता है। अगर डबल एविक्शन की बात निकाली जाए तो विशाल आदित्य सिंह, मधुरी मातुल्ली और शेफाली बग्गा के ऊपर लटक रही है तलवार, वहीं शेफाली जरीवाला, माहिरा और रश्मि सेफ हो सकते हैं क्योंकि वो लंबा गेम खेलते हुए आ रहे हैं, और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के लिए हमेशा से ही जो है जद्दोजहद रहती है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस के घर में डबल एविक्शन के लिए और इस वीकेंड का वार के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, क्योंकि बिग बॉस से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलती है सबसे पहले।